मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अपोजिशन की तरफ से तमाम सियासी जमातों ने मुतफिका तौर पर आज़ाद कश्मीर में पेश किए जाने वाले बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। इसमें आवाम के लिए किसी किस्म का भी कोई रिलीफ नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर हेल्थ एमरजेंसी का नफाज है और आप यकीन जानिए कि इस पूरे अरसे के दौरान इस बजट में सिर्फ इन्होंने अपने MLAs को नवाजने के अलावा, उनको लोकल गवर्नमेंट के फंड्स देने के अलावा, उनको सड़कात देने के अलावा कोई ऐसी रिलीफ आवाम के लिए सामने नहीं रखी। ना ही कोई मेगा प्रोजेक्ट है इनके मंसूबे जात के अंदर, ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे आवाम के अंदर अपनी ये 4 साल कारकर्दगी पर कोई रोशनी डाल सके। हमने इस अमर को यकीनी जाना कि इस बजट में हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये आवाम दुश्मन बजट है, ये आवाम दोस्त बजट नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून की उन कारस्तानियों और उन करप्शन का एक शाखसाना है जो हमेशा से उनका माजी रहा है। बजट हो रहा है, इस वक्त ज़रूरत ये थी कि बजट में जो लोगों के लिए हमने लोगों की लिस्टें बनवाई गई हर जगह कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर आपको रिलीफ देगी, लोगों की आस बंधी हुई थी। ज़रूरत ये थी कि इस वक्त लोगों को कुछ ना कुछ हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से गरीब घराने हैं, जो ड्राइवर कंडक्टर हैं, जो हमारे दूसरे तबके के लोग हैं, पिसे हुए तबके हैं, दिहाड़ीदार के लोग हैं, उनको हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए था। जाए इसके कि वो लोगों को रिलीफ देते, उन्होंने वो इलेक्शन की स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, SDP का सारा पैसा प्लग करके, तो वो अपने कार्टून के जरिए चिट्टू पे जो है वो इस वक्त आखिरी दिनों में आप देखें अगर कार्ड मजा करें, मेरे हल्के में 1.5 करोड़ रुपया इन्होंने आखिरी हफ्ते में जो है वो चिट्टू पे जो है वो पैसे दिए, कोई स्कीम नहीं बनी हुई है। तो इसलिए हम ये कहते थे कि इस वक्त हेल्थ एमरजेंसी की ज़रूरत है, इस वक्त हमें सारा फोकस हेल्थ की तरफ करना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल की इस वक्त ये पोजीशन है, कोई एक हॉस्पिटल भी अगर उसको किसी आदमी को वेंट पे जाना पड़े, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। इवन के हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तक लोगों को मुहैया नहीं है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कर सकें। इसलिए हमने हुकूमत से कहा था कि आप हमारे साथ बैठें, अपोजिशन के साथ बैठें, हम शावरत करें। देखिए, किसी भी हुकूमत का जो बजट है उसे माजी की कारकर्दगी के तनाजर में देखा जाता है, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के तनाजर में देखा जाता है, रिलीफ के तनाजर में देखा जाता है, और मौजूदा दौर में जो वबाई मर्ज है कोरोना की, COVID-19 की, उसके तर्ज में देखा जाना है। अगर आप इन बातों पर गौर करें तो आपको आज़ाद कश्मीर के मौजूदा बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों का कोई जिक्र आपको फौरी तौर पर दिखाई नहीं देता। आपको अक्रास के मुलाजमीन, IT के मुलाजमीन, तालीम के मुलाजमीन, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मामलात, वो मामलात जो खुद हुकूमत ने अपने दौर में पिछले अरसे में पैदा किए हैं कि अकरास के मुलाजमीन यहाँ बाहर बैठे हुए हैं और साल आ साल से वो तनख्वाहों के लिए और पेंशन के लिए रो रहे हैं, अगर ये अपोजिशन से मशवरा करते तो हम इन्हें तजावीज़ देते। अभी उन्होंने टैक्स के अदाव बढ़ा दिए हैं, सवाल ये पैदा होता है कि टैक्स पिछले साल के मुकाबले में आप कई अरब रुपये का अदाव बढ़ा देते हैं, और जो आदमी पिछले साल 10,000 रुपये महीने का बिज़नेस करता था वो इस दफ़ा 1,000 रुपये महीने का बिज़नेस नहीं कर सका, टैक्स ज़्यादा किधर से आएंगे? इसका मतलब है इंतजामिया जबर करेगी, इसका मतलब है रिश्वत और लेन देन बीच में आएगा। यानी टैक्स ज़्यादा कैसे वसूल हो सकते हैं? कारोबार जब बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, होटल बंद हैं, तो ये सारा सिलसिला। तो इसलिए हम ये चाहते थे कि अगर ये मशवरा करते, और बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जिसे आईनादार होना चाहिए माशी और इंतज़ामी और तरक्याती अमूर का, तो ये सारे मामलात आप अगर देखते हैं तो ये मिसिंग है। बड़ी मायूसी है और बड़ा अफसोस है कि ये बजट जो है ये सारा अल्फाज का गोरख धंधा है और इसमें कोई काबिल जिक्र जानदार बात नहीं और कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए तवज्जो नहीं दी गई। और ये बजट जो है ये बस आखिरी साल का इलेक्शन बजट समझ के बनाया गया अपनी मखसूस ज़रूरियात को पूरी करने के लिए।